उज्जैन जिले की नागदा को जिला घोषित करने के बाद सियासत जारी है। वहीं अब खासरुद को नागदा जिले में शामिल करने का विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को नगर के नागरिकों ने खासरुद अधिकार मंच के बैनर तले बड़ी संख्या में तहसील कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें खासरुद को नागदा में शामिल नहीं करने की मांग की है। नागरिकों का कहना है कि खासरुद ग्वालियर रियासत से जुड़ा प्राचीन नगर है, जो स्वयं जिला बनने योग्य है, तो फिर खासरुद को नागदा जिले में क्यों शामिल किया जा रहा है? या तो खासरुद को जिला बनाया जाए या फिर इसे उज्जैन जिले में ही रहने दिया जाए। क्या वजह, क्या कारण रही है? देखिए, खासरुद अपना कई दिनों से उपेक्षित विकास की राह पर नहीं आ पा रहा था। दूसरी बात, फिर इसको जिले के अंदर बिना खासरुद के नागरिकों की सहमति के इसको नागदा जिले में सम्मिलित किया जा रहा था। कुछ चंद लोगों ने अपने पत्र दे दिए कि खासरुद को नागदा जिले में शामिल कर ले। कौन चंद लोग ऐसे हैं जो खासरुद को? जो विभिन्न संगठन के राजनीतिक पदाधिकारी भी हैं और भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने पत्र दिए या अपनी सहमति प्रकट करी थी। इस वजह से नागदा जिले का अस्तित्व में आ रहा था। किंतु मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वैच्छिक जो जिले में शामिल होना चाहता है तहसील, वो उसको शामिल किया जाएगा। हमारा प्रश्न ये है कि आपका खासरुद तहसील को तहसील चाहते हैं या जिले में? हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र जिला बने, उसके लिए भी आंदोलन हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि एक जिले बनने की जो सारी अर्हता होती है वो खासरुद के अंदर उपलब्ध है। इसलिए हम चाहते हैं कि खासरुद जिला बने। चाहे कि जिला नागदा रहे या उज्जैन रहे या खासरुद रहे? नहीं, या तो उज्जैन में हम ठीक हैं, उज्जैन में हैं तो हम बड़े गर्व के साथ हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम उज्जैन जिला, जो बाबा महाकाल की नगरी, उस जिले के वासी हैं। तो इसलिए या तो उज्जैन में रहें, ठीक है, और अगर जिला ही बनाने का आपने तय कर लिया है तो फिर खासरुद प्राचीन तहसील है, बड़ी तहसील है, हर दृष्टि से उपयुक्त तहसील है, और इस प्रकार खासरुद को बनाया जाए। क्यों? खासरुद को खत्म करने का भी षड्यंत्र किया गया था। पहले खासरुद तहसील थी, अब नागदा खासरुद का हल जाने लग गई, तो ये सब षड्यंत्र हुआ है उससे।